नाहन की काटवाड़ पंचायत के पीप लात गांव में बीते 20 दिनों से पेयजल संकट गहराया है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ये क्षेत्र सरकारी बस सुविधा से भी महरूम है, जिसके चलते क्षेत्र का एक प्रतिनिधि मंडल डीसी सिरमौर सुमित हिमटा से मिला और क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाते हुए समाधान की गुहार लगाई है। स्थानीय ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि क्षेत्र में बीते 20 दिनों से पेयजल सप्लाई नहीं हो पाई है। क्षेत्र के लिए बनाई पेयजल योजना से पानी छोड़ने वाला कर्मी लापरवाही बरत रहा है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा क्षेत्र के सैकड़ों लोगों को बस सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। HRTC बस रूट गांव के लिए पास किया गया है, लेकिन क्षेत्र में बस न आने के कारण लोग निजी वाहनों से अपने गंतव्य तक पहुंचने को मजबूर हैं। स्थानीय महिलाओं ने बताया कि पेयजल समस्या समेत बस एम्बुलेंस गांव में न आने के कारण पेश आ रही परेशानियों को लेकर DC को ज्ञापन सौंपा है और जल्द से जल्द समाधान की गुहार लगाई है। हम DC ऑफिस के बाहर खड़े हैं और हम DC सर से निवेदन करते हैं अपनी समस्या के लिए। हम अपनी समस्या लेके आए हैं, पानी की समस्या। हमारे गांव में 20 दिनों से कम 20 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। वहाँ पे जो लड़का काम करता है, जो मतलब पानी की स्कीम चालू हो चुकी है उसके लिए जो वो पानी छोड़ता है, वो कहता है कि मुझे ना तो कोई सैलरी मिल रही है, ना मुझे ये काम करना है, मैं बस ये पानी आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मेरी ये फ्री सेवा है। लेकिन उसकी ऐसी कैसी सेवा कि वो एक दिन पानी छोड़ता है, उसके 3 दिन बाद तक वो बंद रहता है, फिर 4th दिन पानी छोड़ देगा। और फिर उसका यही रहता है कि हर हफ्ते में 1 या 2 बारी पानी छोड़ता है। अब पानी की जो समस्या वो इतनी बढ़ गई है कि जो हमारा नेचुरल सोर्स है पानी का, वहाँ से भी पानी अब आना बंद हो गया है। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें, क्या करें। इसलिए आज हम DC सर के पास आए हैं और अपनी समस्या उनसे कह चुके हैं कि हमारे लिए गांव में या तो एक ऐसे लड़के की व्यवस्था की जाए जो हमारे लिए रेगुलर 2 घंटे तो कम से कम पानी छोड़े, अगर वो ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 घंटे तो वो पानी छोड़ सकता है। और दूसरी समस्या हमारी बस की है कि जो हमारे कठवार पंचायत की सरकारी बस है, उस पे जो बोर्ड पे बाया लिखा हुआ है, उस बाये पे हमारे गांव पिपलाक का नाम है लिखा हुआ, लेकिन वो बस हमारे गांव ना आने की बजाय दूसरी पंचायत में जाती है, बागावड़ा पंचायत में वो बस जा रही है, जिसमें यही नहीं पता कि वहां पे टिकट पिपलाक का कट रहा है या शिल्ली का कट रहा है या वहाँ बागावड़ा का कट रहा है, क्योंकि वो बस हमारे गाँव की बजाय बागावड़ा जा रही है। हमें उस बस से वैसे कोई समस्या नहीं है कि अगर वो वहाँ जाती है अच्छी बात है, लेकिन जब हमारे रोड के को सरकार ने पास कर दिया है, उसका बाया लग चुका है, उसके लिए ट्रायल भी हो चुका है सरकारी बस का, तो हमारे गांव में बस क्यों नहीं आ रही है। और इस वजह से हमारे गांव के लोगों को एम्बुलेंस जैसी सुविधा और गैस की जो हमारे गांव में गाड़ियां आती है उनसे भी हमारे उन सुविधाओं से भी हमारे गांव के लोग वंचित। समस्या का ही तो निपटारा किया जाए। हमारे यहाँ ना तो 108 तीना सिलेंडर की गाड़ी आती, ना 102 आती है, जो कि जब डिलीवरी होती है ना किसी की तो कोई नहीं, वहाँ 102 भी नहीं आती, 108 भी नहीं आती। और रोड पास से ट्रायल के लिए बस भी आ चुकी है और बस लगी नहीं हमारे, और बाया पे फ्लैट भी लग चुका है और पानी की समस्या सर हो जाए। पीछे जो एक डिलीवरी के समय ही उनका बच्चा जो है डेड हो गया था, क्योंकि हमारे गांव में बहुत बड़ा एम्बुलेंस है, गवर्नमेंट नहीं आती है, जिसके कोई भी आम इंसान गाड़ी नहीं कर सकता। हमें एक बार की बहुत ज़रूरत है, उसने अपना बच्चा तो खो दिया, लेकिन भगवान की दुआ से खुद की जान बचा ही नहीं, जैसे तैसे डॉक्टर के पास ले गए उसको। और हमें हम रिक्वेस्ट करते हैं कलेक्टर साहब से कि हमारे गांव में एम्बुलेंस को प्रदान करें। पंजाब केसरी TV के लिए नाहन से दिलीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।